हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी के एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर नंबर 28, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशंस, उसका लास्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट 4 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस वगैरह कर लीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों, आज हम जो पहला टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे वो है रोटरडैम कन्वेंशन का। मोटे मोटे तौर पर समझिए कि कन्वेंशन अडॉप्ट करा गया था 1998 में COP के द्वारा इन रोटरडैम नीदरलैंड्स के अंदर, और ये फोर्स में आया है 24 फरवरी 2004 में। कन्वेंशन एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस लगाता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट दैट इज PIC प्रोसीजर पे। ये बिल्ड है ऑन द वॉलंटरी PIC प्रोसीजर, जिसे UNEP के द्वारा इनिशिएट किया गया और FAO के द्वारा करा गया था 1989 में, एंड सीज हो गया ये 24 फरवरी 2006 में। कन्वेंशन कवर करता है पेस्टिसाइड्स को, इंडस्ट्रियल केमिकल्स को जिनका ऊपर बैन लगा हो या सिवियरली रेस्ट्रिक्ट हो हेल्थ और इन्वायरमेंटल रीजन से बाय पार्टीज, एंड विच हैव बीन नोटिफाइड बाय पार्टीज फॉर इंक्लूजन इन द PIC प्रोसीजर। इस कन्वेंशन के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें तो वही प्रमोट करना शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कोऑपरेटिव एफर्ट्स को पार्टीज के बीच में इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टेन हजार्डियस केमिकल्स, ताकि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम पोटेंशियल हार्म। दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूट करना इन्वायरमेंटली साउंड यूज़ हो हजार्डियस केमिकल्स का, फैसिलिटेट करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड एक नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रोवाइड करके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेके, एंड इन सारे डिसीजंस को देना पार्टीज को। अब NX3 केमिकल्स की आइए बात करी जाए। NX3 केमिकल्स इसके अंदर कौन से हैं? देखिए, वो केमिकल्स जो NX3 में आते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स आते हैं जिनको बैन करा गया है, रिस्ट्रिक्ट करा गया है हेल्थ और इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के द्वारा, एंड विच द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन डिसाइड करा है कि टू सब्जेक्ट टू द PIC प्रोसीजर। यहाँ पर टोटल 43 केमिकल्स हैं जिनका NX3 में लिस्ट करा गया है। 32 पेस्टिसाइड हैं जिनमें 4 सीवियरली हजार्डियस पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है और 11 इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। नेक्स्ट आता है UNCCD। देखिए, 1994 में स्थापित हुआ ये UNCCD एक सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को लिंक करता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से। ये पर्टिकुलरली काम करता है बॉटम अप अप्रोच पे, जिसमें लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाता है डेजर्टिफिकेशन से लड़ने में और लैंड डिग्रेडेशन से लड़ने में। दोस्तों, फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। ये वन ऑफ द रियो कन्वेंशन है जिसका फोकस है डेजर्टिफिकेशन पे, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट पे। अब आप कहेंगे डेजर्टिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? तो डेजर्टिफिकेशन की बात करें, जैसा UNCCD ने ये डिफाइन करा है कि लैंड का डिग्रेड होना ड्राई लैंड में, जैसे एरिड या सेमी एरिड या ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स में लैंड जब हो जाती है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, तो मतलब एक तरह से डेजर्ट्स जो है और ज़्यादा डज नॉट कैन नॉट स्प्रेड एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स का। अब देखो, इसके अंदर 194 पार्टीज हैं। काफ़ी यूनिक तरीका है रिकॉग्नाइज करने का लैंड डिग्रेडेशन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ज़्यादातर वल्नरेबल लोगों को, इकोसिस्टम को, विश्व को अफेक्ट करते हैं। एम यही है कि आप अडेप्ट करिए, इम्प्लीमेंट करिए ऐसे तरीके जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। कैसे? रिवर्स करके लैंड डिग्रेडेशन को। ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल लैंड का मैनेजमेंट। यही एक सोल्यूशन है इस ग्लोबल चैलेंज का। दोस्तों, UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14, तो हुआ क्या कि 14th जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी UNCCD के लिए,
न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर सितंबर 2019 में। इसमें कुछ डिसीजंस अडॉप्ट करेगा कि किस तरीके से हमें ये पॉलिसी जो अप्रूव्ड करी गई है पिछले वाले कॉप में उसे हमें प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है। ये पॉलिसी जो एड्रेस करती है ड्रॉट को, जेंडर सैंड और डस्ट स्टॉर्म को, एज वेल एज डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट को एज अ ड्राइवर फॉर माइग्रेशन। कॉप ने ये भी एग्री करा कि हम लैंड टेन्योर को इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करेंगे एज अ न्यू थीमेटिक एरिया अंडर द कन्वेंशन। इंडिया ने भी अनाउंस करी अपनी कमिटमेंट इन्हांस करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन UNCCD का थ्रू अमंग अदर एक्शंस इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू प्रमोट साउथ साउथ एक्सचेंज। अब अपना 2030 का लैंड रजिस्ट्रेशन टारगेट था वो रेस करा हमने 21 मिलियन हेक्टर्स से 26 मिलियन हेक्टर्स करा, और यही सब पे ध्यान में रखें। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन। देखिए हम इसको ना बहुत डीप नहीं समझा रहे हैं क्योंकि मेन मुद्दा क्या है भी समझ लीजिए। कई सारी चीज़ें इस किताब में बहुत ओल्ड दी गई हैं इसलिए मैंने इस चैप्टर के पार्ट में बहुत काट छाट के ही पढ़ाया आपको, क्योंकि बाकी जो अपडेटेड चीज़ें होती हैं वो अभी हम PT 365 करेंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। पुरानी चीज़ों से आपको ना कन्फ्यूज़ करें ना हम लेक्चर और लंबा करें। इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन की बात करें तो ये ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको काम दिया है व्हेल्स को कंजर्व करने का और मैनेजमेंट व्हेलिंग का, जिसका हेडक्वार्टर आपको कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम के अंदर मिल जाएगा। इसे रखा गया था अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग जिसे साइन करा गया Washington DC में December 2, 1946 में। प्रॉपर कंजर्वेशन मिले व्हेल स्टॉक्स को इसलिए ये है कि भाई प्रॉपर व्हेलिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, यही इसका मेन ड्यूटी है। रिव्यू करना, रिवाइज करना, जो नेसेसरी कदम उठाए जाएंगे उसको ध्यान में रखना, मेजर्स जो लिए जाएं कंप्लीट प्रोटेक्शन दें कुछ स्पीशी को उसका ध्यान रखना, कैच रिपोर्ट बनाना, दूसरा डेटा अपने पास रखना। इसके अलावा 1986 में कमीशन एक ज़ीरो कैच लिमिट लेकर आई थी कमर्शियल व्हेलिंग के लिए, ये प्रोविज़न अभी भी है। हालांकि कमीशन कंटिन्यू करती है कि वो सेट करती है लिमिट को फॉर एबोरिजिनल सब्सिस्टेंस व्हेलिंग के लिए। उसके बाद वेज कैच जो व्हेल कैच लिमिट है उसे रिव्यू में रखना, ये सब इसका काम है। नेक्स्ट आता है वेना कन्वेंशन। दोस्तों उसको 1985 में अडॉप्ट करा गया था और ये फोर्स में आया 1988 में। ये काम करता है एक इंटरनेशनल एफर्ट के तौर पे जिसके माध्यम से ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करा जाता है। हालांकि इसमें कोई लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल नहीं है फॉर द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को लेके। वेना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर और इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, ये डेडिकेटेड है टू द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर को। 197 पार्टीज हैं और ज़्यादातर वाइडली रेटिफाइड करा गया है, यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा है ये। अब इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, इसे डिज़ाइन करा गया था ताकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का कम हो, ताकि एटमॉस्फेयर में इकट्ठा भी कम हो और हमारे अर्थ के फ्रजाइल ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करके चलें। खैर ये सारी बातें हो गई, अब इंडिया और प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात करें। इंडिया पार्टी है वेना कन्वेंशन का, 1991 में बना था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर का 1992 में बना था। इसने रेटिफाई किया था कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल और बीजिंग अमेंडमेंट्स को सन 2003 वाले। हमने रिड्यूस करा CFC 11, 12, 113, हेलन 12-11, HCFC 22, हेलन 13-01 और कार्बन टेट्राक्लोराइड को, मिथेल क्लोरोफॉर्म और मिथाइल ब्रोमाइड वगैरह को भी। एक डिटेल कंट्री इंडिया कंट्री प्रोग्राम फॉर फ्रेज आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी 1993 में बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने एक ओजोन सेल भी इस्टेब्लिश करा और एक कमेटी भी करी ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो इंडिया का जो कंट्री प्रोग्राम है फ्रेज आउट करने के लिए इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को के प्रोडक्शन को 2010 तक इन पर ध्यान दें। हमने कई सारी टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी इसमें काम किया है। नेक्स्ट आता है किगाली एग्रीमेंट। हालांकि ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ज़रूरी है इस टॉपिक में दिया है। तो देखिए 28 मीटिंग ऑफ पार्टीज टू डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये हुई किगाली में रुआंडा के अंदर, और 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अमेंड करा गया ताकि फ्रेज आउट करें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। CFCs को डिसकंटिन्यू करा गया,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जब साइंटिस्ट ने इस बात को रियलाइज करा कि ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है। HFCs को लाया गया 1990s में एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे टू रिप्लेस द केमिकल दैट हैव बीन फाउंड टू इरोज द ओजोन लेयर, बट ये तो और ज़्यादा दिक्कत वाला हो गया। तो HFCs हालांकि ये जनरेट करते हैं ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की तरह, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, आर नॉट डेल विद अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, बट ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत आती है। HFC का एलिमिनेशन रिड्यूस कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग को 0.5 डिग्री से 2100 अभी जो हमारी शताब्दी चल रही है उसमें, अकॉर्डिंग टू 2015 की स्टडी जो करी गई थी उसके हिसाब से। किगाली एग्रीमेंट HFC रिडक्शन के लिए ये बाइंडिंग होगा सारी पार्टीज में फ्रॉम 2019, और अंडर लीगली बाइंडिंग किगाली एग्रीमेंट 197 पार्टीज ये कहती हैं हम कम करेंगे इसको रफली 87% ऑफ देयर बेस लाइन्स बाय 2045। ग्रुप वन के अंदर डेवलप कंट्री आती हैं वो रिड्यूस करें इसको, सेकेंड ग्रुप में डेवलपिंग कंट्री हैं, है ना, जिसमें चाइना अफ्रीका नेशंस हैं, रिडक्शन 10% का कंपेयर टू 2020-22 लेवल से, ये 2029 तक आना पड़ेगा, एक्सटेंड टू 80% बाय 2045। थर्ड के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसमें है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अरब गल्फ वगैरह हैं, वो प्रोसेस 2028 से शुरू करेंगी और एमिशन को 10% कम कर देंगी 2032 तक, और फ्रॉम 2024 से 2026 लेवल के कंपैरिजन में, और उसके बाद 85% तक कम करेंगी 2047 तक। किगाली अग्रीमेंट को 2021 में रेटिफाई करा गया था। अच्छा, इसके अंदर इंडिया फ्रेज आउट HCFC-141B, ये क्या है? देखिए, इंडिया ने पूरी तरह से अचीव करा है कंप्लीट फ्रेज आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 141B का। ये केमिकल होता है जिसे मेनली ब्लोइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में रिजिड पॉली यूथेन फॉर्म्स में, और वन ऑफ द पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद। ठीक है, तो वही है मुद्दे की बात आपने सुन ली है, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। फ्रेज आउट जो इसका हुआ था, कंट्री के दो इन्वायरमेंट बेनिफिट रहे थे, एक तो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर बढ़िया और उसका क्लाइमेट चेंज में मदद करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेटे सिस्टम। देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज करा एग्रीकल्चर हेरिटेज रीजन्स को पूरे विश्व के अंडर द प्रोग्राम जिसका टाइटल था ग्लोबली इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के तहत। पर्पस इसका ये था, हमें रिकॉग्नाइज करना है रिमार्केबल लैंड यूज सिस्टम का, लैंडस्केप का, जो अच्छे हैं, रिच हैं ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, इवॉल्विंग फ्रॉम द को अडेप्टेशन ऑफ अ कम्युनिटी विद इट्स इन्वायरमेंट एंड इट्स नीड एंड एस्पिरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन आर कंट्री सो फार फॉलोइंग साइट्स यहाँ पे ली गई हैं, एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम कोरापुत उड़ीसा में, बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम कुत्ता नद केरला में। ठीक है, अब मीना माता कन्वेंशन है, इसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा। देखिए, मीना माता कन्वेंशन ये मरकरी पे था, ये ग्लोबल ट्रीटी थी जिससे ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को एंथ्रोपोजेनिक एमिशन से प्रोटेक्ट करें, और जो रिलीज होता है मरकरी का, मरकरी कंपाउंड्स का, इसको अडॉप्ट किया गया था सन 2013 में कुमामोतो जापान के अंदर। ये कंट्रोल करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को मरकरी के, इसके अंदर नेचुरल एमिशन जो मरकरी का होता है वो इंक्लूड नहीं होता। मरकरी माना जाता है बहुत ही जहरीला मेटल है, और एक बार ये एनवायरनमेंट में आ गया तो समझो इकट्ठा रहता है, बढ़ता जाता है फूड चेन में, ईजिली ह्यूमन बॉडी में आ जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अब मीना माता जो कन्वेंशन है इसके अंदर ये होता है कि पार्टी नेशन रिड्यूस करेंगे अपनी, है ना, जितना कर पाएंगे यूज़ और रिलीज मरकरी का जो स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग वगैरह से निकलता है, मरकरी के एमिशन को कोल्ड फायर पावर प्लांट्स वगैरह से रोकेंगे, फ्रेज आउट करेंगे, रिड्यूस करेंगे मरकरी को सर्टेन प्रोडक्ट्स में जैसे बैटरी, स्विचेस, लाइट्स, कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड्स वगैरह में। ये भी कहता है कि सप्लाई ट्रेड मरकरी का ध्यान रखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को कम करिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचाइए। खैर, मीना माता कन्वेंशन फोर्स में आया था अगस्त 2017 में, और जो फर्स्ट COP था मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी का, ये सितंबर 2017 में हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जेनेवा के अंदर। ठीक है, COP 2 विल टेक प्लेस, खैर 2018 की बात है।
तो चलिए ये सारी हमने कहानी बताई, ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक से लेके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और ये सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए, आपको हर जगह रेगुलर अपडेट्स इंपॉर्टेंट मिलेगी। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।